नवगठित जिला अंतर्गत तहसील जैजपुर के ग्राम पंचायत कंचदा में अपने अवैध रूप से काबिज भूमि को प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में हटाते हुए नहीं देख पाने के कारण बेजा कब्जाधारी ने धान खरहरी को आग के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कंचदा में बद्रिका बाई चंद्रा ने लगभग 40 डिसमिल जमीन पर बेजा कब्जा कर रखा था। जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के आदेश के परिपालन तहसीलदार लक्ष्मीकांत कोहरी, जनपद पंचायत सीईओ एनआर ओगरे, टीआई ओगरे द्वारा एक दिन पूर्व बेजा कब्जा हटाने की सूचना दिए जाने पर बेजा कब्जाधारी ने बेजा कब्जा हटाने और सुबह धान की खरहरी को आग के हवाले कर दिया, जिसे आरोप ग्रामीण और सरपंच पर लगा सके हैं कि तहसीलदार तथा उनके प्रशासनिक अमले का ध्यान इस विषय से हट जाए, लेकिन लोगों ने आग लगाने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जैजपुर पुलिस ने पूछताछ की तो वह अपनी गलती को स्वीकार किया और धान खरीद में आग लगे आग को स्वयं बोर के पानी के माध्यम से बुझाने का प्रयास किया। रिपोर्टर जिला शक्ति से रामकिशन चंद्रा की खास रिपोर्ट। धान स्थल से ग्राम पंचायत के संदर्भ में जो हटाए जाते हैं जन प्रतिनिधि ग्रामवासी मन के द्वारा से, तो आप जैसे अभी एक जो बेजा कब्जाधारी है वह अपन घर में जो आंगन में रखे पैरा में और धान के खरी वो जो आग लगे से आप का कुछ देखे है बतावा। यहाँ पर रही से फिर जाके खुद धान आग लगे से आग लगा के चलेगी सवाई ग्राम से फिर आके खुद बुझे से सब देखे हम सब। चलो अभी बेजा कब्जा जो हटाए जाते हैं मैं आप मौका में का चीज देखे हैं कि मैं कुम नाम के आदमी है तो मैं आग लगे से अपन धान के खरी में अपन खुद के धान के खरी में आग लगे तो ओका से आप का परिलक्षित होते कि हो कौन प्रकार के आप मतलब फसाए के उद्देश्य से आग लगे से कि हम मुआवजा के लिए करी से कि का लग सकत है आप मन ला का लगा आग लगे से आप सीओ साहब, आज ग्राम पंचायत कचंदा में बेचक अभियान चल रहा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये कलेक्टर महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जहाँ भी बेचक कब्जा है, जहाँ से अतिक्रमण है, उसको हटाया जाना है। और खास करके गोठानों में, यहाँ पर गोठान बहुत दिन से प्रस्तावित था लेकिन गोठान में अतिक्रमण होने के कारण से गोठान नहीं बन पा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये महती योजना है, फ्लैगशिप योजना है, तो गोठान यहाँ बनाया जाना है, उसके लिए विशेष अभियान चलाया करके बेजा कब्जा हम लोग हटा रहे हैं। इसमें माननीय हमारे तहसीलदार साहब और टीआई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अपना नाम बताइए। रामेश्वर प्रसाद खुराना। अच्छा खुराना जी, ये बताइए कि यहाँ जो बेजा कब्जा है वो कितने एकड़ में है? ये है टोटल है ये 53 एकड़ है, जिसमें से 7 एकड़ इसमें से निकाल दिए हम लोग मंडी के लिए, बाकी जो है इसमें अतिक्रमण भी है, घर भी बना है और रोड भी निकला हुआ है। इसमें से अब ग्राम पंचायत बताएंगे कि इतना गौठान के लिए निकालना है तो उतना हम लोग नाप के निकाल देंगे। अभी तक ग्राम पंचायत नहीं बताया सर? नहीं बताया, सिर्फ आवेदन लगाया है इसमें कि गौठान के लिए जगह सुरक्षित किया जाए करके। चलिए बताइए, आज का जो बेजा कब्जा अभियान है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो सरकार का योजना है गोठान बनना, हर गांव में बनना जरूरी है, और हमारे यहाँ नहीं बना है और मंडी का भी बनना जरूरी है। ये सब सरकारी जो नियम है सब गांव में बनना, और इससे हमें बहुत सारा फायदा होने वाला है, सभी गांव को हो रहा है, हमारा गांव का छूट, बहुत सारे ऐसे योजना है जो लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, बहुत सारे ऐसे योजना है जिसका फ़ायदा हम लोग को नहीं मिल रहा है गोठान के कारण, गोठान ना बनने के कारण। अच्छा, गोठान में अभी बेजा कब्जा कितना आदमी किए हैं, लगभग कितने एकड़ जमीन होगा? करीब 40-45 होगा। 45 लोग, 8-9 एकड़ होगा जमीन, ज्यादा 40-45 एकड़ है। हाँ। उतना आदमी बेजा कब्जे में है, उनको हटाना है? उसको हटाना नहीं है, बस हमें अभी गोठान को हटाना है, मंडी को हटाना है। अच्छा तहसीलदार साहब, ये बताइए आज जो बेजा कब्जा तोड़ने आए हैं कचंदा में, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए माननीय कलेक्टर महोदय, में एसडीएम महोदय का साफ निर्देश है कि शासकीय भूमि अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत कचंदा के सरपंच से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि बद्रिका प्रसाद चंद्रा, जो स्वयं में अपने आप में पंच है, उसके द्वारा शासकीय भूमि अतिक्रमण किया गया है, जिसे आज पुलिस प्रशासन के सहयोग से
मुख्य कार्यपालनाधिकारी जनपद पंचायत सहयोग से जो है आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है एवं इसके पश्चात जो है गोठान में अतिक्रमण हुआ है सूचना प्राप्त हुई उसको भी आज ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।